सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज जो आप देख रहे हैं कि मैं आज एक प्लेन एयर पेंटिंग बनाने आया हूँ, जो कि आपको एक गंगा बैराज बिठूर रोड पे एक इस्कॉन टेम्पल है, बहुत ही फेमस है, जो कि कानपुर नगर में है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना इधर सेट कर लिया है। तो आज मैं आप लोग को ये पेंटिंग बना के दिखाऊँगा, और इसकी जो वीडियो भी है वो मेरे चैनल पर भी आपको दिखेगी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना पूरी तैयारी करके रख ली हुई है, एंड सामने आपको एक अच्छा सा व्यू दिख रहा होगा, और बहुत ही प्यारा व्यू है। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैंने कानपुर के लिए अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनाई है। मैं दिल्ली में तो बहुत सारा काम किया हुआ है, बट कानपुर मैंने अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बनाई। मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरे को टाइम मिला है उसमें मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँ, एंड आप लोग जितने भी हिस्टोरिकल जो यहाँ के प्लेसेस हैं उसके बारे में आप लोग को पेंटिंग बना के दिखाऊँ। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं अपने कानपुर के लिए कुछ एज ए पेंटिंग के माध्यम से आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं फिर आज का डेमो, एंड इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो आप लोग के लिए कंप्लीट डेमो आपको बाद में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नॉर्मल स्काई वाले पार्ट के लिए मैंने स्काई एंड क्लाउड्स के लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू एंड क्रिम्सन रेड लिया है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके मैं फ्लैट ब्रश के थ्रू काम कर रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कवर हो सके कम टाइम में। और एक लाइव काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और एक अच्छी बात होती है कि जितना आप लाइव काम करते हो उतना सीखने को मिलता है आपको। सो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ ट्रीज़ के लिए, इसके लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू, स्कारलेट एंड सैप ग्रीन मिक्स किया है, जो कि एक बैकग्राउंड के लिए मैंने सेप लिया, जैसे थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस में मैं ट्रीज़ बना सकूं। तो मैं वेट ऑन वेट काम कर रहा हूं, वो आपको दिख रहा होगा इस चीज़ में। सो आप देख सकते हो किस तरीके में पैचेस लगा रहा हूं, और एक बार में काम करना है, बार बार नहीं कि आपको एक बार ब्रश चलाना है। सो इस चीज़ की रिकॉर्डिंग जो मैंने बाद में करी है, जो मैं बोल रहा हूं। सो आप देख सकते हो किस तरीके में लाइव वर्क कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके मैंने वर्क किया है, और मैं स्ट्रोक किस तरीके लगा रहा हूँ वो आप सब तो देख ही रहे होंगे। और जो मैंने कलर्स पे पिक किया है उसके लिए मैंने सैप ग्रीन एंड गैम्बोज ह्यू का यूज़ किया है फॉर ट्रीज। और एक फ्री होके काम करना है बिना डर के, अगर आप डर के काम करोगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगी। सो लाइव काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी होती, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज़ बनानी ही हो, ठीक है। अब किस तरीके से मैं बस ब्रश के स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, आप अभी जो एरिया है वो आपको वेट दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज एरिया वेट है तो यानी कि जब मैं कलर उसमें मतलब स्प्रेड करूँगा तो बहुत अच्छे स्प्रेड होगी, वो एक सॉफ्टनेस आएगी ट्रीज में, वो आपको दिख ही रही होगी। अगर जहाँ पे भी जो एरिया ड्राई हो चुका होगा अगर वहाँ मैं पैचेस लगाऊँगा तो वहाँ आप देख सकते हो कि हार्ड स्ट्रोक्स दिखेंगे। सो ये तरीका होता है, बाकी वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा वर्क करोगे जिस चीज़ में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी आपके काम में। और अच्छी बात ये होती है कि लाइव काम करने के लाइव काम करते हैं उसमें आपका जो डर होता है वो दूर होता है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि मैं कैसे कैसे कलर मिक्स कर रहा हूँ। अभी मैंने पर्शियन ब्लू एंड स्कारलेट एंड सैप ग्रीन मिक्स किया है। सो मैं कलर्स के नाम भी आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आपको ईजी हो समझने में सारी चीज़ें। स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली लाइव वहाँ काम करते ये सब चीज़ें बताना बोल पाना मुश्किल था, तो मैंने इस चीज़ को बाद में रिकॉर्ड किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ की एक छोटी से छोटी नॉलेज भी मिलती रहे। सो आपको दिख रहा होगा, एंड जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये मॉप ब्रश है। सो अगर आपके पास जो भी राउंड ब्रश आप उससे भी काम कर सकते हो, जैसी भी पेंटिंग बनानी हो। तो ये है कि आपको एकदम बस ध्यान ही रखनी है कि जो भी आप काम करो आप उसमें अपना बेस्ट दो। ज़रूरी नहीं होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो रही हो तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, जितना आप वर्क करोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी उस चीज़ में। अभी देख सकते हो कि एरिया जैसे वेट दिख रहा होगा आपको, पैचेस देखिए मैं किस तरीके लगा रहा हूँ। आप बस ब्रश का स्ट्रोक्स वहाँ पे आपको टच करना है, देन अपने आप वो चीज़ स्प्रेड हो जाएगी। अगर एरिया वेट है तो ज़रूरत नहीं है आपको कुछ अपने हिसाब से करने की, अपने आप वो चीज़ फील आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है फाइनल काम करने में तो आप पहले रफ में भी ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को। सो एक फील तो आ ही रहा है ना, क्योंकि वाटर कलर में जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस से देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो अभी बाउंड्री लाइन किनारे जो ट्रीज दिख रहे हैं उनको मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं जब इसकी लाइव जो ओरिजिनल पिक्चर है अभी आपको दिखेगी तो आप समझ जाओ कि मैं एक्चुअल में क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड एक जो बैक साइड की बाउंड्रीज है उसमें थोड़ा डार्क करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि एक डेप्थ आ सके उस चीज़ में। एंड जो टेम्पल का पार्ट है अभी मैंने उसको ब्लैंक छोड़ रखा है, जिसको मैं बाद में कर सकता हूँ उस पर वर्क।
तो बस वही चीज़ है कि जितना आप काम करोगे उतने ज़्यादा आपको, जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये तो एक फैक्ट है। सो और डार्क करना है तो मैं पर्शियन ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड सैप ग्रीन एंड क्रिम्सन यूज किया है, अभी के जो कलर्स मैंने यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो किस तरीके अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप एक डार्कनेस देख सकते हो ट्रीज़ की। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लाइव वर्क करते हुए या देखते हुए वीडियो को। सो अभी जो मैं बना रहा हूँ, जैसे खेतों में मेड़ होती है उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैंने कलर्स अप्लाई किया, अभी थोड़ा सा मैंने वाटर का पार्ट भी दिखाया है, तो उसके लिए मैंने नॉर्मल जो प्लेट में कलर मिक्स होते हैं मैंने उनको यूज़ किया है, पर्शियन ब्लू, हल्का सा ग्रीन भी है, आप कोई भी कलर मान सकते हो। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जैसे जब भी हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो कुछ कलर्स ऐसे बन जाते हैं जो कि आप उसको आप लगा सकते हो लाइट शेड के रूप में। जैसे अगर आपको वाटर दिखाना है तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं अपने आप भी बन जाती हैं। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सा कलर आप लगा रहे हो, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने स्प्रे का यूज़ किया उसको और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए। जो मेरे पास वाटर की एक बॉटल दिख रही होगी, स्प्रे बॉटल है वो। सो अभी मैं बाउंड्री लाइन थोड़ा डार्क कर रहा हूँ जिससे कि एक अलग फील आ सके, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि वो एक अलग पार्ट है एंड जो खेत का पार्ट है वो एक अलग है। सो आप लाइव व्यू में देख सकते हैं उस चीज़ को। कुछ चेंजेस मैंने अपने हिसाब से भी किए हैं एंड अभी आप देख रहे हो कि मैं किस तरीके पैचेस अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने सैप ग्रीन एंड कैम्बोज यू मिक्स किया है। सो आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा ब्रश के छींटे भी मारने से एक अलग फील है। कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से भी क्रिएट की हैं पेंटिंग को अच्छा करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो आप देख रहे हो आपको हर चीज़ कॉपी करनी है, ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात एक आर्टिस्ट के लिए होती है कि आप अपनी साइड से भी अगर कुछ क्रिएट करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे कभी आप लाइव डेमो दे रहे हो तो उससे आपका माइंड एकदम फुल ओपन होता है, जैसे कि आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो विदाउट, आपको ज़रूरत नहीं किसी रेफरेंस की। अच्छी बात यही होती है कि अगर आपको अपना मेमोरी इतनी अच्छी है आप कुछ भी बना सकते हो। सो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़, अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है तो आप उसको ज़रूर ऐड करो, जिससे कि पेंटिंग को अच्छा फील हो मिल सके। मैं डार्क करने के लिए पर्शियन ब्लू मैंने एंड हल्का सैप ग्रीन मिक्स किया है मैंने इस लाइन के लिए। सो जो आपको दिख रही है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा किस तरीके मैं पैचेस लगा रहा हूँ एक फ्री होकर के बिल्कुल। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप मैं आगे भी आप लोग के लिए एक अच्छी वीडियो बनाता रहूं, इससे आपको हर चीज़ की नॉलेज मिलती रहे। सो अभी थोड़ा सा बाउंड्री, अभी जो खेत की जो मेड़ हो, जिसको हम बोलते हैं मेड़ वाला पार्ट, उसको और हाईलाइट कर रहा हूं, जिससे कि एक थोड़ा सा 3D फील आ सके, जिससे कि और डेप्थ आ सके पेंटिंग में। सो आप देख सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जैसे मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, सो उनको भी उस चीज़ की नॉलेज मिल सके। एक अच्छी बात यह है कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट मैं बना रहा हूँ, मैं लोगों को दिखा भी सकूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर मैं कहीं लाइव वर्क कर रहा हूँ तो हर कोई बंदा अवेलेबल हो वहाँ पे। सो यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोग को जैसे मैं काम करता हूँ अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। बाकी वही चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। जितना ज़्यादा आप लाइव वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ऐसा नहीं कि आपने आज मेरी वीडियो देखी एंड 4 दिन प्रैक्टिस करी उससे आपका काम इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वाटर कलर में खासकर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी एटलीस्ट 8-10 ईयर्स से मैं इसको वर्क कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। एटलीस्ट जितना मुझे आता है मैं आप लोग को सिखाता हूँ। ठीक है, सो बस वही है कि लाइफ टाइम हम लोग परफेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, बट हाँ अपने काम में इम्प्रूवमेंट जरूर ला सकते हैं। सो आप देख रहे हो, और एक अच्छी या बुरी बात जो ही बोल सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सो मैंने मास्क लगाया हुआ है एंड ऑलरेडी कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है एंड खासकर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
वैसे तो प्रॉब्लम सभी के लिए है, बट मैं आर्ट फील्ड से हूँ तो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। बाकी हर जगह ही प्रॉब्लम है एनीवे, तो चलिए वो तो एक अलग की बात है। बाकी कहाँ पे आते हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ टेम्पल को, उसकी बाउंड्री लाइन जो थोड़ा और डेप्थ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक चीज़ और भी है कि अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ यूट्यूब पे, वो इसलिए क्योंकि अभी मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वाटर कलर की। बहुत सारे लोग थे कि जिन लोग को ऑनलाइन क्लास लेनी थी, वाटर कलर सीखना था, सो अभी ऐसा भी टाइम है कि बहुत सारी चीज़ें क्लोज हैं, खासकर आर्ट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस क्लोज हैं। सो मेरा भी मन था कि एटलीस्ट लोग कोई बात नहीं, घर से बैठे हुए भी हम ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं, एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत अर्न होगा वो भी मेरे लिए अच्छी बात होगी। सो अगर आप लोग को भी क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरी ऑनलाइन क्लासेस, सो आप लोग मेरा नंबर लिख सकते हैं। मैं नंबर बोल देता हूँ अपना, व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है 9559480989। सो अगर आपको क्लासेस लेनी है या अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे इस नंबर पे मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। अच्छी बात होगी कि आप मैसेज करना तो मैं जल्दी देख लूँगा। मैं भी कभी कभी कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ मेरी क्लासेस चलती हैं एंड मैं अपना पर्सनल वर्क भी करता हूँ। सो अगर आपको लगता है ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको पूरी एक कम्प्लीट नॉलेज मिलेगी। पेंटिंग तो एक अलग की बात है, पूरी नॉलेज आपको उस चीज़ में मिलेगी। सो आप देख सकते हो। और एक चीज़ और भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑनलाइन क्लास में मैंने जो भी सिलेबस रखा हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप है, जिससे कि आपको इजी हर चीज़ समझ में आ जाए इजी तरीके से। और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मेरा बैच ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं काम, मेरे को सेंड भी करते हैं। अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं भी काम कर रहा हूँ एंड इस टाइम पे आप भी अपना वर्क करो। सो इस टाइम पे अगर आप घर पे हो तो आप अच्छी बात है कि ये भी है आर्टिस्ट के लिए कि उनको काम करने का मौका मिल रहा है, जितना ज़्यादा अभी आपके पास टाइम है उतना ज़्यादा आप वर्क कर सकते हो। सो अभी मैंने फिगर स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन क्लास है फिगर का भी मैंने क्लास रखा हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी जब आप बात करोगे तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी किस तरीके मैं लाइव वर्क किया है एंड कैसे कैसे क्या क्या स्टेप मैंने लिए हैं उस चीज़ में। बाकी वही जितना तक काम करेंगे इम्प्रूवमेंट आएगी एंड अभी मैं रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ उस चीज़ का। आई होप आप लोग को पेंटिंग अच्छी लगी होगी। एटलीस्ट कम टाइम में सर मैंने इसको बनाने के लिए हाफ साइज में 35 से 40 मिनट्स लिए हैं इस पेंटिंग को बनाने में। सो जितना टाइम था उतने मैंने आप लोग को बना के दिखाया है। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को, एटलीस्ट मैं 100% नहीं बोलता, 50% तो सीखने को आपको मिला ही होगा। सो आप देख सकते हैं पेंटिंग को। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा एंड उनको सब्सक्राइब करने के भी बोलिएगा मेरे चैनल, अगर आप लोगों ने नहीं किया है सो प्लीज़ आप लोग भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट करना और कुछ भी जो भी हो आप बता सकते हो मुझे। सो आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग जो आज मैंने बनाई है। स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बोल के बताया था कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड वो चीज़ अब कम्प्लीट हो चुकी है, तो मैंने मुश्किल से 35 या 40 मिनट्स लिए होंगे हाफ साइज की पेंटिंग को कंप्लीट करने में। तो आपको दिख ही रहा होगा कैसे मैंने काम किया है। तो लाइव काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जितना हम लाइव काम करेंगे उतना ही सीखने को मिलेगा, उतनी हमें अपनी मिस्टेक्स भी मालूम चलती है कि जितना लाइव काम करते हो। तो एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक लाइव वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप घर पर वर्क करो एंड जब भी मौका मिले तो आप बाहर जाकर भी लाइव वर्क करो। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आप डेमो दे के दिखाया है एंड इसको मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी लोग को, थैंक यू।